और इधर यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि ओपी राजभर की बातों पर किसी को भरोसा नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर पर यह बड़ा हमला बोला गया है। यूपी कैबिनेट मंत्री की तरफ से अनिल राजभर ने सभासपा अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ओपी राजभर की बात का कोई भरोसा नहीं है। अनिल राजभर ने यह बड़ी बात की है, किसी की गाड़ी में बैठकर बांदा से लेकर यूपी में घूमा करते थे राजभर, किसकी गाड़ी को लेकर, ये बड़ा सवाल उठाया है और ये बड़ा निशाना साधा है अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर। उनका कहना है कि ओपी राजभर की बात का किसी को भरोसा नहीं है, जो कार्यकर्ता है वो भी उनकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। राजभर ने अपना एक बयान दिया, अब्बास उनके विधायक नहीं है, ये कैसी परिवर्तन? अब इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा मूर्खता वाला बयान क्या हो सकता है, और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ी धुरतई भी क्या हो सकती है। आप जिसकी गाड़ी में बैठकर यात्रा कर रहे हैं, जिसकी गाड़ी में बैठकर आप यहाँ से बांदा तक, चित्रकूट तक यात्रा कर रहे हैं, चुनाव में जिसके लिए वोट मांगे हैं, जिसको चुनाव लड़ाए हैं, जिसका समर्थन करते रहे हैं, तो आप किसको बताना चाहते हैं? आप जनता और सम्मानित मीडिया के सामने कितने बार बेनकाब होंगे? तो बोलने से पहले कुछ तो शर्म रखनी चाहिए आदमी को कि हम कह क्या रहे हैं, आप फिर समाज हमको क्या कहेगा। ये मऊ के लोग नहीं जानते कि चुनाव में क्या किया है इन्होंने। कहीं भी वह इस तरह से जो बयान देते हैं वो बड़ा ही घटिया बयान है। ऐसे में मीडिया के समक्ष भी उन्होंने अपने रिश्ते की कबूला है। अब देखना ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर इस मामले में क्या कहते हैं, अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।